الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير حاضرين الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته आज के درس में हम पढ़ेंगे रा को कैसे पूरी या बारीक पढ़े उसके कवायद क्या हैं? और लाम यानी लामी जलाला जो ये अल्लाह लिखा हुआ है इसमें जो बीच वाला ये लाम है इस लाम को लामी जलाला कहते हैं इसके कायदे क्या है अभी तक हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे पढ़े इससे पहले और मीम साकिन के कायदे पढ़े अब सिफ़ात हरूफ में आज का जो लेक्चर है इसमें हम जानेंगे रॉ लफ रॉ रा, रॉ जबर रॉ रा, या रॉ जिसको हम कहते हैं इसको कब हम कैसे किस सूरत में पढ़ें कभी कभी ये मोटा पढ़ा जाता है तकफीम के साथ और कभी कभी ये बारीक पढ़ा जाता है इसी तरह लाम जो अल्लाह में लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं लामी जलाला ये कब मोटा पढ़ा जाता है और कब बारीक पढ़ा जाता है इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास हरूफुल हिजा जो कि अरबी में हमारे पास उनतीस हरूफ है उनमें हमारे पास सात हरूप ऐसे हैं जो हर हाल में मोटे पड़े जाते हैं। उनको हमने नाम दिया था मुस्तालिया। इन हरूफ पे सिफतें इस्तेला हो जाती हैं इस्तेला का मतलब होता है कि जबान के तालु को जबान का जो आखिरी हिस्सा है उसको ऊपर के तालु के साथ आपको मिलाना पड़ेगा फोटू को गोल करते हैं और आवाज थोड़ी मोटी हो जाती है इंग्लिश में कहेंगे ऐसे हरूफ जो बोल्ड साउंड के साथ अदा हो यानी ऐसे हरूफ जो मोटे हरूफ होते हैं जो बोल्ड साउंड के साथ अदा हो ऐसे हरूफ को हम कहते हैं यानी ऐसे हरूफ हमेशा मोटे पड़े जाते हैं आपको याद होना चाहिए कि इन मोटे हरूफ के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि ये जो हरूफ है इनकी तादाद हमारे पास सात है तो कौन कौन वरूफ है एक है खा सा दाद ला, और गौफ इनको कहते हैं हरूफ मुस्तालिया मतलब ऐसे हरूफ जो हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं इन सात हरूफ के अलावा हमारे पास रॉ है रॉ जिसको हम उर्दू में रे कहते हैं और अल्लाह में लफ्ज़ी अल्लाह में जो लाम लिखा है बीच में जिसको हम लामी जलाला कहते हैं ये रा और लामी जला को जो लाम है अल्लाह में जो लिखा हुआ लाम है ये दो हरूफ कभी बारीक पड़े जाते हैं और कभी पुर पड़े जाते हैं यानी कभी ये मोटे पड़े जाते हैं कभी ये पतले पड़े जाते हैं आज सबसे पहले हम रॉ के कायदे पढ़ेंगे इन्हें रॉ को कब पुर पढ़ा जाए रॉ को कब मोटा पड़े पढ़ा जाए उसके कवायद क्या है याद रखना चाहिए रॉ जो है ये बारह हालतों में मोटा या पुर पढ़ा जाता है रॉ लफ्ज रॉ इसको बारह हालतों में हम पुर पढ़ते हैं और अरबी में पुर पढ़ने को तफखीम के साथ अदा करना कहते हैं तफखीम तफखीम मतलब बोल्ड साउंड अदा करना मोटा अदा करना पुर पढ़ना फोटू को गोल करना मुंह भर के पढ़ना इसको हम कहते हैं तफखीम के साथ अदा करना वो बारह हालतें क्या है जिसमें रा को पुर पढ़ा जाता है सबसे पहले राशा मतलब रा पे आप जबर देखेंगे और रा तशदीद में होगा जैसे यहां पर है अर्रह। रा को मैंने मोटा पड़ा आवाज मोटी निकाली होंठों को गोल किया जबान की जड़ को तालू के साथ मिलाया तो पहली कंडीशन है रॉ पे जबर हो रॉ पे तशदीद हो दूसरा है रॉ यानी इन्हें रा पे तशदीद हो और रा मदमुमा हो मदमुमा का मतलब रा पे पेश हो जैसे यहां पर है मरू 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 ठीक है तीसरी कंडीशन है रा साकिन हो रा साकिन हो माकबल मफतू हो इन्हें रापे जबर हो रा पे सुकून हो जजम हो और उससे पहले हर पे जबर हो मफतूह जैसे यहाँ पर है रॉ को मोटा पड़ा क्योंकि रॉ सान है माकबल जबर तीसरी कंडीशन हो गई ये चौथी कंडीशन है रॉ साकिन हो मा काबल कसरा जो है वो आर्जी हो यानी रॉ यहां पर साकििन हो और उससे पहले जो हर पे जेर हो कसरा हो मगर ये जेर जो है यह आर्जी हो औरजिनल ना हो परमिनेंट ना हो जैसे अगर आप इसको कुरान मजीद में देखेंगे इर्जी या इर उस पे आप देखेंगे जो ये अलिफ बना हुआ है ना इस पर कोई जबर जेर नहीं है मगर जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम टेम्परेरी जेर इसके नीचे ले आते हैं अगर टेम्परेरी जेर आ गई रा साकिन से पहले तो रा को पड़ा जाता है मोटा पड़ा जाता है जैसे एर जे एरो हालांकि नॉर्मल हालत में रॉ सकिन माकबल जेर होगा तो बारीक होगा मगर उस सूरत में जो जेर होती है या कसरा होती है वो परमानेंट होती है यहां पर याद आपको रखना है वो परमानेंट नहीं वो टेम्पररी है टेम्पररी आरजी आर्जी, आर्जी आ, कसरा पांचवी कंडीशन है रॉ साकिन, माकबल साकिन। यानी रा साकिन होगा उससे पहले हर पे भी सुकून होगा ठीक है यानी रा यहाँ पर आप देख रहे हैं कादर

रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, तबखीम के साथ अदा करेंगे कादर कादर ओके ये हो गई हमारे पास पांच कंडीशन छठी कंडीशन है रॉ पे जब, जब जबर हो और रा पे तशदीद ना हो जैसे यहां पर है और नॉर्मल तरीके से रॉ पे जबर होगा तशदीद के बगैर चाहे तशदीद हो या तशदीद के बगैर दोनों हालतों में रॉ को पुर जाता है तबखीम के साथ पढ़ा जाता है इसी तरह रा मजमूम हो यानि रा पे पेश हो मुश्द ना हो तशदीद ना हो जैसे कि यहाँ है औरुबा मा, औरुबा मा, यहां पे भी होगा इसी तरह रा साकिन हो माकबल जो हरफ हो वो मजमूम हो यानी माकबल हरफ पेश हो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं रा साकिन माकबल हरफ पे पेश उसके अलावा नवी कंडीशन सा साकिन हो माकाबल कसरा दूसरे कलमे में देखिए कसरा जेर को कहते हैं अगर माकबल कसरा नॉर्मल होती है तो रॉ बारीक होगा मगर ये जो कसरा आप देख रहे हैं ना ये दूसरे कलमे में जैसे भी एक कलमा है इना दूसरा कलमा है अगर हम इसको मिलाएंगे हम पढ़ेंगे रब बिर, बिर जेऊना तो यहां पे भी रा को मोटा पढ़ेंगे तबखीम के साथ पढ़ेंगे क्योंकि जो जेर है ना ये दूसरे कलमे में दसवीं कंडीशन रा साकिन माकबल साकिन, माकबल, माकबल पेश जैसे यहां पर उस रू या उस ऋण के बजाय हम पढ़ेंगे उस तो रा साकिन बनाएंगे माकबल साकिन सीन है उससे माकबल पेश है तो उस पेश के वजह से ये रॉ जो है ये भी पुर होगा ये दस कंडीशन हो गई ग्यारहवीं कंडीशन है जब आप देखेंगे रॉ साकिन माकबल कसरा मगर माबाद हरफी मुस्तालिया इन्हें रॉ साकिन होगा माकबल इन्हें उससे पहले जेर होगी मगर उसके बाद रॉ के बाद जिसको हम माबाद कहते हैं वो हरूफ मुस्तालिया में होगा जैसे यहाँ मिसाल है तो, क्योंकि रा साकिन माकबल जेर तो है मगर माबाद उसके बाद हरूफ मुस्तालिया में इन्हें साद, दाद, ता, खा और क इनमें से कोई हरफ आए जैसे यहाँ पर आपने देखा क आ रहा है तो रान रा ज़ेर और माबाद माबाद कहते उसके बाद उस पर हरूफ मुस्तालिया में कोई हरफ आ जाए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक और मिसाल है फेरो कॉको मुर

ठीक है मुंता जैसे यहां पर रॉ मजमूम है ठीक है और इसमें हम राउंड के साथ वकफ करेंगे तो याद रहेगा कि इसमें भी हम रॉ को पुर पढेंगे ठीक है ठीक है तो ये हमारे पास बारह कंडीशन ऐसे हैं जिसमें हम हर फिर रॉ को मोटा पढ़ते हैं पुर पढ़ते हैं मुह बरके पढ़ते हैं जबान की जड़ को तालु के साथ मिलाते हैं और इस पुर पढ़ने को हम तफीम के साथ पढ़ना कहते हैं अब याद रखिएगा कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ एक्सेप्शन हमारे पास पुरानी मजीद में है जैसे कि मिसाल के तौर पर शुरा में एक लफ़ज़ है फिर फिरन की जो राह है उसको आपके पास दोनों कंडीशन है इसको आप पुर भी पढ़ सकते हैं बारीक भी पढ़ सकते हालांकि रूल के हिसाब से रॉ किन माकबल जेर उसके बाद माकबल माबाद ऑफ़ है इस हिसाब से इस कायदे के हिसाब से रा को पुर पढ़ना था तो आप पुर पढ़ सकते हैं मगर अगर कोई पुर के बजाय बारीक भी इसको पढ़े तो तजवीज इसको इजाजत दे देते हैं ये सिर्फ एक कंडीशन है सूरत शरा में कि आप फिर फिर रा पढ़ सकते हैं या फिर फेर

ऐसे बारह कंडीशन पढ़े जिससे हम आपको बता रहे हैं कि रॉ को कैसे पुर मुबर के बोल्ड साउंड के साथ मोटा अदा कैसे करते हैं अब आप पहुंचिए उस चीज पे कि रॉ को हम बारीक कब पढ़ेंगे यानी बारीक मतलब ये पुर के मध्य मुकाबल है बारीक का मतलब होता है पतला अदा करना मुंह के अदा नहीं करना फोटू को गोल नहीं करना तो सात मकाम ऐसे हैं जहां पर आप रा को बारीक अदा करते हैं एक नंबर वन रॉ मकसूरा मुश्द हो रा पे तशदीद हो मगर रॉ तशदीद होने के बाद रॉ पे जेर हो मकसूरा कहते हैं जेर हो जैसे देखिये मैंने होटू को गोल नहीं किया आवाज को मोटा नहीं किया जबान की जड़ को ऊपर की तरफ नहीं उठाया री, अर रिजालू, अर रिजालू। दूसरी कंडीशन रा मकसूरा हो रा पे जेर हो और गैर यानी तशदीद ना हो जैसे सिंपल है रिजालुन रि रा पे जेर है चाहे तशदीद है चाहे तशदीद नहीं है दोनों हालतों में बारीक पड़ा जाता है तीसरी कंडीशन है रा साकिन हो माकबल जेर हो जैसे यहां पर आपने देखा शिर आतन या शिर आता मगर आपने पिछले पिछले स्लाइड में ये जाना कि अगर ये जेर परमानेंट ना हो या ये जेर दूसरे कलमे में हो तो उस सूरत में ये बारीक नहीं पुर पड़ा जाता है मगर यहां पर आपने देखा कि रॉ साकिन माकबल जो ये जेर है ना ये परमानेंट जेर है और उसी कलमे में है यानी उसी वर्ड में है तो इस सूरत में रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे शिर एत शिर एतन या शिर आता जो भी होगा का हमें है। चौथी तो कंडीशन है रा साकिन अगर रा साकिन बने माकबल साकिन बने और उससे माकबल जो हरफ है उस पर जेर जैसे हिज़र असल में हिज़रिन है रा साकिन है राफ की हालत में जीम को साकिन बनाएंगे यानी जीम ऑलरेडी साकिन है तो साकिन, माकबल साकिन उससे माकबल जो जेर है उस जेर की वजह से और को बारीक पड़ा जाएगा हिजर हिजर ठीक है पांचवी कंडीशन है रॉ साकिन माकबल या माकबल या साकिन यानी रॉ साकिन जब भी रॉ साकिन से पहले आप या साकिन देखेंगे यानी या हर पे सुकून होगा तो उसके बाद आपको नहीं देखना है कि कौन सा हरफ क्या हरकत है उसके बाद डायरेक्टली जो रान है वो बारीक पढ़ा जाएगा सिंपल याद रॉसिन माकबल यासाकिन जैसे खैर खैर खा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि हरूफी मुस्तालिया में है इसी तरह कदने हमने रॉ को बारीक पढ़ा वक्त की हालत में क्योंकि रॉसाकिन माकबल या सान छी कंडीशन है रॉय इमाल की हालत में ये सिर्फ कुरानी मजीद में एक ही जगह है जहाँ पर अः ये एक दुआ है जब हज़रत नू अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए तो उन्होंने जो दुआ की उस दुआ में अः उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लासाहफ़ूर रहीम कुरानी मजीद में ये दुआ है और इसमें एक ही जगह बड़ी या का इस्तेमाल हुआ है देखिए उर्दू में हमारे पास छोटी या और बड़ी या है और हिजाम है अली बात अलबाताशा आखिर में बड़ी या और छोटी या छोटी या और बड़ी या अरबी में एक ही या है छोटी या मगर सिर्फ एक आयत में बड़ी या का जिक्र हुआ है वो यहाँ पर इस वर्ड में इस कलमे में इस या को हम कहते हैं इमाला ठीक है इसको कहते हैं इमाला और ये जो आप देख रहे हैं उसके साथ या साकििन है माबाद इसको कहते हैं राई इमाला राय इमाला सिर्फ एक ही जगह है पुरानी मजीद में जिसमें यहाँ पर आया है मज रे हा रे री हा के बजाय मज रे हा मज रे बढ़िया पढ़ना है इसको राय इमाला कहते हैं इस कंडीशन को इमाला कहते हैं पुरानी मजीद में एक ही जगह ये कंडीशन है याद रखना चाहिए इसमें जो राय इमाला हमने पढ़ा ये भी बारीक पढ़ना है रा आखिरी कंडीशन है रा मकसूरा हो यानी जेर हो जिस पर राउंड के साथ वक्फ किया जाए जैसे वाल हमने जेर इस पे देनी है ये राउंड के साथ वक्फ करना क्या हो गया ये वक्फ में हम आपको पढ़ाए मिस्रा और पर तफहीम और तरक्क दोनों सूरत है यानी अगर आप मिस्रा क्योंकि रा साकििन तो आप रॉ को सान बनाएंगे ठीक है माकबल जो है वो स्वाद पे भी सुकून है और मा माकबल उससे रा मीम के नीचे जेर है उस कंडीशन पे रा बारीक होना चाहिए जैसे मिस बारीक होना चाहिए मगर अगर आप बारीक के बजाय पुर भी पढ़ेंगे मिस रा को भी पढ़ेंगे वो भी जायज़ है इसी तरह आप रॉ को पुर भी पढ़ेंगे बारीक भी पढ़ेंगे तो इन दो सूरतों में आपके पास चॉइस है रूल के हिसाब से ये बारीक है मगर इसके अलावा भी अगर आप इसको पढ़ेंगे पुर तो मिसरा यानी दोनों में आपकी इजाजत है कि आप पुर भी पढ़ सकते हैं बारीक है। इसी तरह इधा यास््र में भी तफकीब और तरकीक दोनों दुरुस्त है बशर्ते कि रॉ जो है ये वक्फ की सूरत हो जैसे इदा यस्र, आपके पास च्वाइस है कि रा को आप पुर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे रूल के हिसाब से ये पुर होगा क्योंकि राकबल साकिन माकबल जबर मगर अगर आपने इसको बारीक भी पढ़ा तो कोई इशू नहीं है इन तीन हरूप के ऊपर आपको याद रखना है और इमाला के माने मैंने आपको कहा झुकाना यानी अलिफ को या की तरफ झुकाना जैसे मजेरीहा के मजेरीहा के बजे हमने मजेरेहा पढ़ा उसमें क्या है कि हमने बड़ी या पढ़ी तो ये इमाला आपको यहाँ पता होना चाहिए तो अब हमने जाना इन दो स्लाइड्स में कि बारह कंडीशन रॉ को पुर पढ़ने की हिसाब से है जबकि को बारीक पढ़ने के लिए हमारे पास सात कंडीशन है और ये बहुत ही आपको याद रखना है जब भी रॉ पे जबर पेश हो तो रॉ को पुर पड़ा जाएगा नॉर्मल हालत में जेर हो तो रॉ को बारीक पड़ा जाएगा फिर मैंने आपको कुछ कंडीशन दिए और ये पुर और बारीक हरफ पढ़ना रॉ इसमें दोनों सिफतें हैं इसको हमें फ़र्क जानना है क्योंकि ये खूबसूरती में पुरानी मजीद की अदायगी में खूबसूरती में ये फर्क आ जा सकता है अब बाद हमारे पास इसी तरह अल्लाह में जो लिखा हुआ बीच वाला ये लाम है इस लाम को हम लामी जलाला कहते हैं देखिए आम लाम नहीं यहाँ सिर्फ बात है जो लाम लफ्ज़ अल्लाह में या अल्लामा में है उसी लाम के दोनों तरफ पढ़ने की इजाजत है आप उसको पुर भी पढ़ सकते हैं बारिक भी पढ़ सकते हैं आप पुर कब पढ़ेंगे यहाँ पर वो कंडीशन दी गई है यानी अल्लाह या लफ्ला के लाम से पहले अगर जबर या पेश हो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं या अलिफ हो तो उस लाम को हम खूब मोटा पढ़ते हैं जैसे अल्लाहु, अल्लाहु क्योंकि Allah के जो लाम है लामी जलाला है उससे पहले जबर है इसी तरह अल्लाह। अल्ला। देखिए, हमने लाम, लाम को मोटा पढ़ा, लामी जलाला को हमने तफखीम के साथ पढ़ा, मोटा पढ़ा। वजह इससे पहले जबर है अगर जबर यह पेश होगा तो लामी जलाला अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाता है जैसे अल्लाह ये लिखा हुआ है उससे पहले वाव पर जबर है जब इस वाव को मिलाएंगे तो लामी जला मोटा होगा ऐसे ही रफ्ल देखिए अल्लाह से पहले पेश है हम कहेंगे लामी जला से पहले पेश है उसकी वजह से ये अल्लाह का लाम जो है लामी जलाल का लाम है ये मोटा पड़ा जाए इसी तरह सुबह अल्लाह से पहले क्या पे ऊपर जबर है लाम जल से पहले ज़बर लाम पुर होगा लाम जल से पहले पेश लाम मोटा होगा इसी तरह आहू अलिफ की मिसाल लाम जला से पहले अलिफ असल में अलिफ पे भी जबर है तो उस वजह से ये आलाू में लाम मोटा पड़ा जाता है पुर पड़ा जाता है ये तो थी पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लाम अल्लाह से अल्लाह के लाम में यानी लामी जलाला से पहले जेर हो तो लाम बारीक पढ़ा जाता है जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अब देखिए यही अल्लाह का लाम है अल्लाह है ठीक है उससे पहले हमारे पास जेर है मीम के नीचे उस वजह से ये लाम हम बारीक पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह इसी तरह लामी जलाला से नीचे जेर लाम के लिए लाम के ऊपर कुल के लाम के ऊपर जेर है जिसकी वजह से अल्ला बारीक पढ़ा जाएगा लाम बारीक पढ़ा जाएगा तो इन दो लामों की इन दो लामों के अलावा याद रखना चाहिए हर जगह और हर हालत में जो लाम पाया जाता है वो हमेशा बारीक पढ़ा जाता है तो सिर्फ लामी जलला में सिफते हैं कि उसको कभी मोटा पढ़ते हैं कभी बारीक पढ़ते हैं बाकी जितने भी लाम कुरान मजीद में अरबी जबान में आप देखेंगे उनको हम बारीक पढ़ते हैं जैसे वाहुम जितने भी लाम बाकी है, वो बारीक पड़ा जाएगा यहाँ आप देखिए जबर तो लामी जलाला होगा। लामी जलाला से पहले पेश लाम मोटा होगा फुल माउथ अगर हमारे पास फता और जुम्मा अल्लाह के लाम से पहले हो बिस्मिल्लाही आपने देखा लामी जला से पहले जेर तो लामी जला बारिक पढ़ा जाएगा लामी जलाल से पहले जेर तो लामी जलाल बारिक पढ़ा जाएगा ऐसे ही हमारे पास कुछ मिसालें हैं मैं आपको बताऊंगा लामी जलाल से पहले पेश लामी जला मोटा पढ़ा जाएगा हुवल्लाहु यहाँ पे भी लामी जला मोटा क्योंकि उससे माकबल वाव पर जबर बी लाही लामी जला से पहले जेर नून के नीचे लामी जला बारिक मिन लामी जलाला से पहले जबर मोटा लाम लामी जलाल से पहले नून के नीचे जेर लामी जला लामी जलाल से पहले ज़बर तो लामी जलाल मोटा होगा जो हमने कंडीशन पढ़ी बहुत आसान याद रखना है लामी अल्लाह के नाम को कैसे मोटा पढ़ेंगे माकबल जबर या पेश होगा तो मोटा माकबल जेर होगी तो बारीक और बाकी जितने भी लाम पुरानी मजीद में अरबी जबान में है वो सब बारीक पढ़े जाएंगे अब हमारे पास एक सूरत है इसको हम पढ़ेंगे उसमें जितने भी हमारे पास कवायद अभी तक हमने पढ़े हैं सिफात पढ़े हैं मखारज पढ़े हैं और इस आयत में इस सूरत में हम कोशिश करेंगे उनको अदा करें बिस्मिल्ला देखिए बिस्मिल्ला में सीन सफीरिया है तेज पढ़ा जाएगा और अब देखिये मिल्ला ही, जो लामी जलाला में लाम है अल्लाह में लाम है लामी जलाला वो बारीक होगा क्योंकि माकबल जेर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए रा मुशद्दद है जबर के साथ रा को मोटा पढ़ेंगे रह रै नहीम रा मुशद्दद है जबर के साथ रा मोटा पढ़ा जाएगा तो अर्रहमान और रहीम दोनों में जो रामशद जबर के साथ मोटा होगा हा का मखरज दोनों जगह पर वस्त हलक हलक यानि हलक का दरमियानी हिस्सा और आखिर में रहीम को लंबा करेंगे यहाँ पर जो या पर मद आएगी ये मद वक्फी आरज है यानी आरज आरजी मद है वक्फ की सूरत में क्योंकि मीम पर हमने आरजी सुकून लाया वो आरजी सुकून या साकिन के लिए सबब बन गया और या साकिन माकबल जहर हमारे पास हरफ मद हरफ मद के बाद सबब मध आ जाए तो ये मद असली से मद फरी में तब्दील होगा मद फरी की हमने चार किस्में पढ़ी उसमें ये वाली किस्म जो है इसको मदे वक्फी भी कहते हैं मद वक्फी या मद आरज भी कहते हैं कि वक्फ की वजह से हमारे पास मीम पे आरजी सुकून आ गया अलम। अब देखिए मीम जो है इसका कायदा क्या है इसका मखरज क्या है सबसे पहले मीम का मखरज है दोनों होटों को जब हम मिलाते हैं तो खुश्क वाला हिस्सा आपस में मिलता है आलम ठीक है ये तो होगा इसका मखरज अब मीम की सिफत क्या है मीम साकिन के बाद बा या मीम के अलावा कोई भी हरफ आए तो इजहार होगा इजहार शफवी इजहार का मतलब जाहिर करके जल्दी जल्दी इसको अदा करेंगे उसको हम गुन्ना नहीं करेंगे आलम तारा रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा जबर के साथ है मोटा पढ़ा जाएगा तीम के साथ पढ़ा जाएगा अलम या साकिन माकबल जबर लीन नरमी के साथ पढ़ा जाएगा फा, फा का मखरज क्या है आगे जो दो दांत है जिनको हम सना उलिया कहते हैं उनके किनारे को यह नोकीला हिस्सा जो है इसको हम नीचे वाले होंठ की तरी वाले हिस्से से मिलाएंगे काइ नहीं है ये फा क्योंकि फा, फा पढ़ते वक्त होट नहीं मिलते ऊपर के दांत नीचे के होल कीजिएगा और बुक और पुर पढ़ेंगे हमेशा मोटा पड़ा जाता है और मुस्तालिया में तेज पड़ा जाता है सिफत सफीर हो जाती है और फील लाम को जब हम साकिन बनाएंगे उस आरजी सुकून की वजह से यहाँ पे मद वक्फी आरिज या मद आरिज वक्फी आएगी दूसरी आयत अलम बराबर कायदा जो पहले हुआ था या जे अल जीम पे कलकला होगा जीम हरूफ कलकला में आता है कुतबी जद जो पांच हरूफ है जब भी वो साकिन होंगे तो आवाज वापस आएगी जैसे यहाँ पर आ रही हैज अल काई दहुम या साकिन माकबल ज़बर तो या लीन है हुम मीम साकिन के बाद फा इजहार होगा जैसे ऊपर हुआ था इजहार शफवी फी यहां पर या हर्फे मद्दा है उसके बाद सबब मद मौजूद नहीं तो यहां पर मद असली है तलील दाद को मोटा पढ़ते हैं और दाद में बहुत सारे सिफात है थोड़ा टाइम लेता है पढ़ने में और यहां पर आपके पास चॉइस है अगर आप ठहरेंगे क्योंकि वकफ आयत के ऊपर जब आप ला देखेंगे तो आपके पास चॉइस होती है रुके या आगे बढ़े इसको इनशाला तफसीन पढ़ाऊंगा अगर आप ठहरेंगे तो तादलील पढ़ेंगे लाम साकिन बनेगा या पे मद आएगी मद वक्फी आरिस या मद आरिस वकफी अगर आप मिलाएंगे तो दो जेर के बाद वाव आ रहा है ये यरमलून में वाव है तो दो जेर जो है तनवीन जो है वाव के साथ मिलेगी इसको कहते हैं पढ़ा जाएगा अदरवाइज आप ताबली पढ़ के वकफ कर सकते माकबल जबर मोटा पढ़ा जाएगा तो इजहार होगा सिर्फ बहुत आसानी से मीम साकिन के कायदे याद रखने हैं तीन ही कायदे हैं मीम साकिन के बाद मीम तो इदगाम मीम साकिन के बाद, बाद तो जितने का इजहार है तनवीन का इजहार है यहाँ पे भी अगर आप वक्फ करेंगे वक्फ की सूरत में जज्म आएगा सुकून आएगा तो यहाँ पे मद आरज वक्फी आएगा देखिए यहाँ पर रॉ साकि माकबल जबर रॉकुर पढ़ेंगे मीम साकिन के बाद बा तो अख्वा होगा इकफा शफी कैसे पढ़ेंगे होगा को रॉकुर पढ़ेंगे दो जेर के बाद मीम साकिन के बाद सीन तो अख्वा होगा इख्वा, इख्वा जो है इदगाम और गुन्ने के अपोजिट में है इसका मतलब है नीचे रखिएगा आवाज बीच में निकाली पर, पर वक्फ़ होगा लाम पर वक्फ़ होगा तो यहाँ पे मद आरिश वकफी फैजा मीम साकिन के बाद क्या तो मीम साकिन पर इजहार होगा इजहार शफवी का एस सौद को मोटा पड़िए क्या एस फिम दो के बाद मीम तनवीन के बाद मीम आए तो इदगाम ब मिलाइए और गन्ना की सिफत निकालिएम कोल देखिये मीम के साथ अलिफ है ना ये अलिफ नहीं है ये हमजा है और हमजा के ऊपर जो ये जज्म होगा याद रखियेगा इसपे झटका होता है जटके का मतलब जोर के साथ आवाज को रोकना है माम मा को साकििन बनाएंगे और यहाँ पे जो मद आएगी ये मद आरस वक्फी कहलाएगी तो इस तरह हमने आज जो इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ा अब हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है इनशा उसके बाद हम तजवीद वाला सेक्शन पूरा करेंगे अल्लाह तबारक ताल से दुआ है अल्लाह तबारक ताल हमारी इस काबिश को कबूल फरमाए और जो हमने इसमें सख्तियाँ और मुश्किलें आ जाए अल्लाह अपनी फजल और हम से वो आसान फरमाए व आखिर अनहमदबीआलम السلام عليكم ورحمه الله وبركاته